जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप जो सेशन है 22, 23 और 23, 24 जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है तो उनको अपना स्टेटस रेगुलर रूप से चेक करते रहना चाहिए। और आज हम इसमें तीन स्टूडेंट का यूजर आईडी पासवर्ड लेके स्टेटस को चेक कर रहे हैं। और स्टेटस चेक करने के दौरान किसी का कुछ ऑप्शन पेंडिंग है और किसी का पेमेंट वाला स्टेटस पेंडिंग है और किसी का पेमेंट वाला स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट है। अगर ऐसा किसी का है तो कब तक में पैसा आ जाना चाहिए इसके रिगार्डिंग जो है स्टेटस चेक करेंगे और जानकारी लेंगे। तो आपको भी अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो है अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो पोर्टल है होम वाला पेज पे आपको आना होगा। कोई कोई स्टूडेंट कमेंट ये करता है कि सर जब हम अपना जो भी सर्च करते हैं और अगर हम चेक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एस सी एस टी वाला ही आता है, बी सी बी सी वाला नहीं आता। या फिर किसी का कमेंट ये रहता है कि सर एस सी एस टी का आ रहा पर बी सी बी सी का नहीं आ रहा। तो आपको अपने गूगल में टाइप करना है pmsonline.pih.nic.in या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से आपको आना होगा। तो ये वाला होम पेज आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ पे अब देखना है कि अगर आप बी सी ई बी सी से हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चाहे आप 22, 23 या फिर 23, 24 के सेशन के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। या फिर अगर आप एस सी एस टी से हैं तो अगर आप एस सी एस टी से हैं और 22, 23 के लिए अगर आपको आपने अप्लाई किया है तो इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे 22, 23 वाला पे। अगर आप 23, 24 के लिए हैं तो 23, 24 वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अपने अनुसार जो भी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे अपने अपने लिंक पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पेज आपके सामने जो आगे का पेज होगा वो सभी का जो सेम होने वाला है। और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको ऑप्शन जैसे कि देखने को मिल रहा होगा तो नीचे की तरफ आपको आना होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है एक स्टेप जो है यहाँ पे क्लिक होने के बाद जो है मेरा आगे का स्टेप आ गया है। तो थोड़ा सा हम इसको बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट का और यहाँ से भी आप जो है क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, या नहीं तो नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पे मिलेगा बी सी बी सी के लिए, 22, 23, 23, 24 के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज इस तरह से आपके सामने आएगा और आपको लॉगिन करना है 22, 23 हो या फिर 23, 24 हो, किसी भी सेशन है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड को फिल करना और इस कैप्चर को फिल करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे तीन स्टूडेंट का हम लॉगिन करते हैं और आपको तीनों स्टूडेंट का जो भी जानकारी होता है वो सारी जानकारी आप सबके साथ हम शेयर करते हैं। तो लॉगिन चलिए यहाँ पे हम फटाफट से कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला जो स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस साइड में जो होता है आपका कॉलेज और कोर्स इन्फॉर्मेशन रहता है और बीच वाला भाग में आपका एप्लीकेशन डिटेल रहता है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी रहता है और यहाँ पे नंबर वाइज आपका क्या क्या है इसके अनुसार। जैसे कि फर्स्ट नंबर में एडिट स्कॉलरशिप डिटेल होता है, एडिट अगर ज़रूरत पड़ता है तो एडिट आप कर सकते हैं। और आपको अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट रहता है यहाँ पे और एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं यहाँ से और एप्लीकेशन मूवमेंट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे होता है आपका स्टेटस और जिसमें कि इस वाले अगर स्टूडेंट का चेक करें तो ये ऊपर में जो चार ऑप्शन रहता है पर्सनल डिटेल और फोटो डॉक्यूमेंट और फाइनलाइज, ये चारों डिटेल हर किसी मतलब हर स्टूडेंट का डन होना चाहिए। अगर डन नहीं है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपका डिफेक्टेड है या अनफाइनलाइज्ड है तो फिर आपको फिर दिक्कत है। जैसे कि मेरा पर चारों जो है पूरी तरीका से डन है। अगर हम लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल जो होता है इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन होता है, स्टेटस होता है, अगर वो आपका अप्रूव्ड कर देता है तो उसके बाद नेक्स्ट होता है फिजिकल कमेटी स्टेटस दूसरा लेवल में, अगर वो भी आपका अप्रूव्ड कर देता है। लेकिन कभी कभी जो है किसी किसी स्टूडेंट का जो है ये सब लेवल जो है किसी कारण से डिफेक्टेड हो जाता है, रिजेक्टेड हो जाता है। रिजेक्टेड में कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया हो, किसी ने गलती से फिल किया दिया हो, या फिर जो है आपका ये भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बता दिया हो, या फिर फी स्ट्रक्चर जो आप अपलोड करते हैं उनमें से भी किसी का गलती हो जाता होगा। तो अगर फी स्ट्रक्चर या फी कुछ भी ऑप्शन अगर ऐसा डिफेक्टेड का होता है तो इस वाले बीच वाला ऑप्शन में आपके अनुसार जैसे कि अगर डेट ऑफ बर्थ हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना जो है अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड मेरा है। आपका अगर अप्रूव्ड होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात कहेंगे, अगर पेंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंतज़ार करना चाहिए। कब तक करना है आपको इंतज़ार, वो जो है इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी जो है ना यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखा गया है, तो आपको बस वेट करना है।
और नेक्स्ट है, जैसे कि अभी तक यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन अब यहाँ पे पेंडिंग है, नीचे पेमेंट स्टेटस लगा के तीन तरह का पेंडिंग अभी भी पड़ा हुआ है। तो जब तक ये पेंडिंग है तब तक इंतज़ार कीजिए, आप जो भी जिस भी तरह की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लग जाइए और बीच बीच में अपना स्टेटस चेक करते रहिए। ठीक, तो एक स्टेटस जैसे कि चेक किया तो इस प्रकार से मेरा शो हुआ, और एक और स्टेटस जब हम चेक किए तो इसमें मैंने ये देखा कि ऊपर का चार्ट तो पूरी तरीके से जो है ऑप्शन जो है डन है, लेकिन यहाँ पे पांच तरह का जो लेवल होता है ये पांचों लेवल जो अप्रूव्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ इसलिए अप्रूव्ड हो गया। और लास्ट में जो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस है ये मेरा पेंडिंग में चला गया, मतलब मेरा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक ना, ये दूसरे स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे पेंडिंग में ये चला गया है। तो अब जैसे ही पेंडिंग में गया है तो कुछ दिन बाद अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये फिर पेंडिंग हट जाएगा, यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट आ जाएगा। और हमारे पास जो एक और एप्लीकेशन है जिसमें रेडी फॉर पेमेंट वाला भी ऑप्शन है, तो एक और स्टूडेंट का हम जब चेक करते हैं तो उसका जो है ऊपर का चार तो डन है चारों ऑप्शन, और ये पाँचों लेवल जो अप्रूव्ड है, और नीचा में जब चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है रेडी फॉर पेमेंट शो हो रहा है। अगर रेडी फॉर पेमेंट शो हो रहा है तो मतलब अब जो है आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर हम बिहार का जो है इंटर वाला जो लड़की को 25,000 रुपया राशि मिलता है, अगर उसके अनुसार अगर यहाँ पे बात करें तो उसमें ये था कि अगर किसी स्टूडेंट का अगर रेडी फॉर पेमेंट होता था तो रेडी फॉर पेमेंट के बाद सेंड फॉर पेमेंट होता था, उसके बाद जो पेमेंट आ जाता था कुछ दिन में। लेकिन ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, अगर उस स्कॉलरशिप के अनुसार अगर ऐसा कुछ होता है तो रेडी फॉर पेमेंट के बाद आपका सेंड फॉर पेमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है फिर पेमेंट आ जाएगा। या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि रेडी फॉर पेमेंट मतलब कि पेमेंट के लिए तैयार है, फिर डायरेक्ट जो है आपको पेमेंट ही भेज दे, आप इसमें जो भी अकाउंट आपका आपने दिया होगा या फिर आपके आधार के साथ जो भी बैंक अकाउंट सीडिंग होगा डायरेक्ट आपका पेमेंट आ जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट है तो फिर आपको अब किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं लेना, जब भी हो एक दिन में दो दिन में पाँच दिन में या दस दिन में या महीना दिन में जब भी आपका होगा तो अब डायरेक्ट आपका पेमेंट आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज़ अप्रूव्ड हो गया तो अब अप्रूव्ड हो गया, ये पूरा सारा चीज़ चेक करने के बाद ही अप्रूव्ड किया जाता है, ऐसा मत सोचिएगा कि अप्रूव्ड हो गया तो बाद में फिर इसमें कोई डिफेक्टेड या फिर रिजेक्टेड कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट स्टेप आपका अगर रेडी फॉर पेमेंट है तो आप किसी भी तरह का आपका कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका अब पेमेंट आएगा। तो इस प्रकार से अपना स्टेटस चेक करते रहना, अगर इसमें इस वाले ऑप्शन में कोई भी अगर डिफेक्टेड या रिजेक्टेड का ऑप्शन हो तो आप जो उसको सॉल्यूशन कीजिए, अपडेट कीजिए, वो ये ऊपर वाला ऑप्शन से बीच वाला जो भाग है इसमें से कोई भी ऑप्शन पे कोई भी मतलब कि जो भी रिजेक्टेड होगा या डिफेक्टेड होगा उसके अनुसार उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो है सुधार कर लेना है, या फिर जो है जो भी प्रॉब्लम है उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना पर्सनल डिटेल को हाइड कीजिए और हमारे जो है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जो है शेयर कीजिए, या नहीं तो फिर हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है जीमेल आईडी भी दिया हुआ है वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट जो है शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट हम आपका देख लेते हैं तो फिर अच्छी तरीके से हम आपको बता पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए या फिर किस कारण से आपका रिजेक्टेड हुआ, अगर उसका प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग हम आपको जो भी जानकारी होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से अपना स्टेटस चेक कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कीजिए। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ जो आप सभी को मदद मिला होगा। अगर मदद कुछ ना कुछ मिलता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद जय भारत।